क्योंकि अवसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो उनको, अवसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नकारा कह दो, गद्दार कह दो, फिर पिछड़ा भोगने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तमाम सब जो भाई बहन है, और इनका उपयोग ही होता है लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार ही है, देखो गद्दारी करता है, पीड़ो छोड़ा पहुँचता है, उनको आप क्या कहोगे भाई, यही शब्द है एक श्रेणी में, तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं कहा। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके, अरे ये वक्त था आगे काम करने का, इत्यादि उससे बनता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इंदिरा गांधी चुनाव खुद हार गई थी, साफ हो गई कांग्रेस उत्तर भारत के अंदर, एक ही राजनाथ सुना मिर्जा की, तब हम लोगों ने मजबूती दिखाई। उसका परिणाम है चुनाव के बाद में जब आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस, अच्छे दिन आए। आज हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं जो गुणी एससी के अंदर MP बन गए, सारे देश के अंदर वो नौजवान जो हैं 40 साल हो गए, 42 साल हो गए हैं, उन्होंने राज किया है, केंद्रीय मंत्री, AICC के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, चारों जगह पर उन्होंने किया है। संकट के साथ दिया, तो ये कांग्रेस की खासियत है, गांधी परिवार की खासियत है, कि जो संकट में साथ देता है उसको मांगने की जरूरत नहीं रहती है, और जो गद्दारी करते हैं, छुरा भोंकते हैं, वो भी रहते हैं पार्टी के अंदर, वही पार्टी में रहते हैं, पर ये अवसरवादिता होती है। और मैं समझता हूँ कि मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को भी, उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए कल आपका है, आने वाली पीढ़ी का है, और उम्र तो कोई रोक नहीं सकती है मेरी, उनको चाहिए कि वो अपने आप को इस पर व्यवहार करें, जिससे कि आने वाले 15-20 साल बाद में वो एसेट रहे कांग्रेस के लिए, लाइब्रेरी बन जाए,